प्रदेश के बूंदी जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विकसित भारत संकल्प यात्रा का सपना साकार हो रहा है। जिले के हिंडोली उपखंड में लोगों को संकल्प यात्रा से जुड़ी सभी योजनाओं का भरपूर लाभ मिल रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। राजस्थान की धरा पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का सपना पूरी तरह साकार हो रहा है। संकल्प यात्रा का रथ बूंदी जिले के हिंडोली उपखंड के बसोली ग्राम पंचायत पहुंचा, जहां पर बसोली ग्राम पंचायत की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में योजना से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों ने ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए उनको योजनाओं से अवगत करवाया और साथ ही उनका रजिस्ट्रेशन भी करवाया गया। इसके साथ ही लोगों से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने की बात कही। भारत सरकार के द्वारा 17 विभागों की 17 योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ दिए जा रहे हैं और यहां पर सभी विभाग अपने अपने पूरी टीम के साथ में बैठे हुए हैं। लोग उनसे आकर के मिल रहे हैं और उनकी जो आवश्यकताएं हैं और जो यहाँ पे देने लायक जो लाभ है वो उनको दिया जाता है। लगभग सभी विभाग के कर्मचारी मौके पे बैठे हुए हैं और सामने हाथों हाथ लोगों का काम हो रहा है। फायदा तो जैसे आवासीय पट्टा है स्वामित्व योजना में, तो आवेदन होते तुरंत ग्राम पंचायत से पट्टा मिल रहा है। पीएम आवास से जो लोगों को कभी पक्के मकान पट्टी पर्ची नहीं देखी, उनके अच्छी छतें में है, लोग अच्छी छतों में रह रहे हैं, उनके बच्चे बच्चे अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। शिविर में मौजूद लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, प्रधानमंत्री मृदा जांच योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित अन्य सभी योजनाओं से लिए गए लाभ के बारे में अपनी कहानी भी बताई। प्रधानमंत्री योजना में जो 2000 रुपए मिलते हैं निधि योजना में, उसे में बहुत फायदा मिला। पहले हमको कर्ज लेना पड़ता था, अब कर्ज नहीं लेना पड़ता है और हमें समय में खाद बीज खरीद के और हमारी खेती की बुआई कर देते हैं। इसे हम धन्यवाद देना चाहते हैं मोदी जी को। मेरे को स्वच्छता मिशन के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि दी गई थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले मेरे कच्चा मकान था, तो सर्दी के दिनों में और बारिश के दिनों में सबसे ज़्यादा परेशानी आती थी, पानी टपकता था छत से। और फिर मेरे को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा मकान पक्का बना और उसमें मैं सब सुख सुविधा के साथ रह रही हूँ। उसमें नल बिजली की सबकी सुविधाएँ और मेरा परिवार उसमें सुखी से रह रहा है और मुझे 1,20,000 का प्रावधान दिया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य मकसद अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है, जिससे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए और वो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।